बगावत पर उतरे सिंधिया समर्थक मंत्री, मध्य प्रदेश में गरमाई राजनीति, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। बता दें ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खराब सड़कों को लेकर अभी हाल ही में चुनी गई कांग्रेस की नगर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए खराब सड़कों का ठीकरा कांग्रेस के माथे फोड़ा है। मंत्री खराब सड़कों को लेकर इतने नाराज हैं कि उन्होंने पैरों में चप्पल पहनना छोड़ दिया है। उन्होंने खराब सड़कों के लिए नगर निगम के अधिकारियों और ग्वालियर की महापौर को निशाने पर लिया है। आरोप यह लगाया है कि राज्य सरकार से फंड दिए जाने के बाद भी शहर की बदहाल सड़कों पर काम नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर और इन आरोपों पर कांग्रेस भी उनके खिलाफ मुखर हो गई है। कांग्रेस की महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने उल्टा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी को ही खराब सड़कों को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने अपनी सफाई में कहा कि ये सड़कें सिर्फ 2 महीने में खराब नहीं हुई है। यहाँ 57 साल से बीजेपी का मेयर रहा है, लेकिन फिर भी शहर की सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकी। सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिन सड़कों पर पैदल चले हैं, वह भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है और बीजेपी की नाकामी का भी बड़ा सबूत है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अकेले ग्वालियर की सड़कों को लेकर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की नगर सरकार बनी है, वहां वहां जनता परेशान है। ना उन्हें पीने का पानी मिल रहा है, ना सड़कों की हालत सुधर रही है। दूसरी तरफ महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस की महिला महापौर होने के कारण उन पर इस तरह की छींटाकशी की जा रही है, लेकिन वे बीजेपी नेताओं के इन आरोपों से डरने वाली नहीं है और शहर की बदहाल सड़कों के लिए वे लड़ाई लड़ेंगे। उनका यह भी आरोप है कि राज्य सरकार सड़कों के लिए नगर निगम को पैसा ही नहीं मुहैया करा रही। ऐसे में शहर की सड़कें बने तो कैसे बने, इसका जवाब उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मांगा है।